Assalamu alaikum, dear students. The name of our topic, as you know, is Reaching the Age of Adolescence. And today we are going to discuss the role of hormones in initiating reproductive functions. Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. The target site responds to the hormones. There are many endocrine glands or ductless glands in the body. Hormones from the pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female. Released in the bloodstream and reached parts of the body target site. They stimulate change in the body at onset of puberty. तो जैसा कि मैंने पहले भी कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपने जो हार्मोन्स होते हैं उनको ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड में रिलीज करते हैं और फिर ब्लड के ज़रिए वो डिफरेंट साइट्स पर पहुँचते हैं जो उनके टारगेट साइट होते हैं, यानी जहाँ पर उन हार्मोन्स को काम करना होता है, और वो जो टारगेट साइट है फिर उस हार्मोन को रिस्पॉन्ड करता है, यानी उसके मुताबिक फिर वो अपना काम करता है। हमारे जिस्म में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो असल में टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेट किस तरह करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से दो किस्म के अलग अलग किस्म के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में होता है और फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन। ये जो हार्मोन्स हैं ये ब्लड में रिलीज होते हैं और ब्लड जो है वो उनको अपने टारगेट साइट पर पहुंचा देता है। और फिर ये जो हार्मोन्स हैं यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये जो है प्यूबर्टी जब होती है उसमें ये मतलब जो है डिफरेंट जो चेंजेस आती हैं बॉडी में वो उसको स्टिमुलेट करते हैं। अब ये जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वो सेक्रेट करती हैं सेक्स हार्मोन्स। जैसा कि आपने कल वाली क्लास में हम डिस्कस किया था कि ये हार्मोन्स जो हैं फीमेल और मेल जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उनके भी कंट्रोल में होते हैं। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है, उनमें से एक हार्मोन ऐसा होता है जो ओवम को या ओवा को मैच्योर करता है ओवरीज के अंदर। और इसी तरह जो स्पर्म्स होते हैं उनको टेस्टिस के अंदर जो है उनकी फॉर्मेशन में मदद फराहम करता है। ये हो गया रोल ऑफ हार्मोन्स। अब हम डिस्कस करेंगे reproductive phase of life in humans. Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. The capacity for maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females. In females, the reproductive phase of life begins at puberty, 10 to 12 years of age, and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. The ova begins to mature with the onset of puberty. One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. During this period, the wall of the uterus becomes thick so as to receive the egg.
In case it is fertilized and begins to develop, this results in pregnancy. If fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. This causes bleeding in women, which is called menstruation. तो जो एडोलसेंट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं जब उनके टेस्टिस और ओवरीज जो हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। टेस्टिस जो हैं वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और ओवरीज जो हैं वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो कैपेसिटी है गैमेट्स की, यानी गैमेट्स की प्रोडक्शन की, ये कैपेसिटी जो है ये मेल्स में ज़्यादा टाइम रहती है बनस्पत फीमेल की। यानी मेल्स जो हैं उनमें 60-70 साल की उम्र तक ये गैमेट्स जो हैं प्रोड्यूस होते रहते हैं, जबकि फीमेल्स में ये जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है ये शुरू होता है प्यूबर्टी से, यानी 10 से 12 साल की उम्र से, और फिर ये तकरीबन 45 से 50 साल की उम्र तक ये रिप्रोडक्टिव फेज़ रहता है। और इस फेज़ में, यानी फीमेल्स के अंदर इस फेज़ में क्या होता है, जो ओवम या ओवा होते हैं, ओवम सिंगुलर है, ओवा प्लूरल है, तो ये जो ओवा है ये मैच्योर होते हैं प्यूबर्टी के आने के बाद। और जब एक ओवम जो है वो मैच्योर होता है और दो में से किसी भी एक ओवरी से वो रिलीज़ होता है, तो वो हर 28 या 30 दिन के बाद रिलीज़ होता है। और इस पीरियड में क्या होता है, जो यूट्रस के वाल्स हैं वो थिक हो जाते हैं ताकि वो एग को रिसीव करें। अब अगर इस पीरियड में जो एग है वो अगर फर्टिलाइज हो गया तो उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई है कि, यानी जो एग रिलीज़ हुआ था वन ऑफ द ओवरी से और फिर वो यूटरस में पहुंचा था, वहाँ पर उसकी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई तो क्या होता है कि वो रिलीज्ड एग और जो यूटरस की अंदर से जो थिकनिंग है, जो लाइनिंग होती है, वो जो है जो ब्लड सेल्स से यानी भरी होती है तो वो शेड ऑफ होती है, यानी उससे क्या होता है मेंस्ट्रुएशन होती है फीमेल के अंदर। और ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये 28 से 30 दिन के बाद होती है। और जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन होती है उसको मेन आर्क कहते हैं। और 45-50 ईयर्स ऑफ एज जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है इसको कहते हैं, यानी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। तो जब शुरू में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो ये इरेगुलर भी हो सकता है और कुछ टाइम के बाद ये रेगुलर हो जाता है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। और ये साइकिल जो है ये इसमें क्या होता है, इसमें एग मैच्योर होता है, फिर रिलीज़ होता है और थिकनिंग ऑफ जो यूटरस वाल्स हैं वो होती हैं, और फिर अगर प्रेगनेंसी ना हो सके तो ये शेड ऑफ होती हैं। और अगर वो एग जो है फर्टिलाइज हो जाए तो ये फिर डिवाइड होता है और इसमें जो है यूटरस के अंदर इसकी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, तो ये बाद में जो है ये फीटस की शक्ल तैयार करता है। तो उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। दैट्स इन